माई डियर टीचर्स, वी वेलकम यू टू द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन आर स्कूल. इन दिस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, वी फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंट नेशन दैट गिव्स अस द फ्रीडम टू लिव आर लाइफ इन आर वे. बट दिस वॉज नॉट द सिनेरियो 73 ईयर्स अगो व्हेन इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स. And with the continuous struggle by the Indians led by the Rehan fighters, India finally gained independence on 15 August 1947. At last, I wish everyone a very happy Independence Day and hope for building a beautiful nation together. Thank you. Now I would like to request Reverend Father Deepak to kindly host the flag. स्टैंड हियर फॉर अवर नेशन. अपने जो फीलिंग्स हैं आपको मतलब थोड़े समय में इतना बयान नहीं कर सकता, लेकिन दो बातें हैं जो हमें जाननी हैं. एक है कुर्बानी, उन्हें हमें याद रखना है उस कुर्बानी को, और आज़ादी को हमें संभालना है. और एज ए टीचर्स हमारे और हर एक हिंदुस्तानी के अपने अपने कर्तव्य हैं, उन्हें जानना है और संभालना है. कुर्बानी, जब बात करते हैं कुर्बानी की, तो कुर्बानी जो हमें मिली है, इस कुर्बानी के पीछे बहुत 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 बड़ी कीमत चुकाई गई है. पिछले दिनों में हमें मैनेजमेंट लेकर गए अमृतसर, जलियांवाला बाग. जब वहाँ की बातें सुनी तो सचमुच में कुछ लोगों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. हज़ारों हज़ारों इन पिछले 200 सालों में हज़ारों हज़ारों कुर्बानियां हुई हैं. तो अगर सारी कुर्बानियों को याद करें, आज हम आज़ाद हैं, आज हम यहाँ पूरी आज़ादी के साथ इस देश में रह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है. लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कीमत जो चुकाई गई है, उस कीमत के लिए हमें उन देशभक्तों को हमेशा याद करना चाहिए, और वो गीत हमेशा हमारे मनों में होना चाहिए. ओ जैसे लता मंगेशकर जी ने कहा था ना, याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, आगे जो हमारा हिंदुस्तान पिछले 73 ईयर से लगातार तरक्की कर रहा है, वो कारण यही है कि हम सब मेहनत करते हैं, हम सब एक मन और एक चित्त होकर रहते हैं, हम सब मेल मिलाप में रहते हैं. यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है. और इन दिनों में जो हमें मनाना है, इन दिनों में हमें आज़ादी को किसी और ढंग से मनाना है. सोशल डिस्टेंस रखना है, और हमें ये जो गुलामी है थोड़ी देर के लिए आई है, ये कोरोना नाम की जो गुलामी है, इससे भी हमें लड़ना है और जीतना है. सो बस मैं यही कहता हुआ फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और धन्यवाद कि मुझे समय मिला कि मैं कुर्बानी और आज़ादी के बारे में कुछ बोल सकूँ. थैंक यू. आज़ादी के पवित्र दिहाड़े उत्ते मैनेजर फादर दीपक टिग्गा जी अपने दो बोल सारे दर्शकों के नाल सांझे कर. 15 अगस्त है, अज दे दिन साढ़े पूरे भारतवासी इस शुभ अवसर से बहुत ही
खुशी नाल ये परब नू मना रहे हैं। ये असी सारा दे लई बहुत ही सौभाग्या दा दिन है। मेरे प्यारियों भारतवासियों, चूँकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया नू हिला चुकी है, फिर भी असी डरते नहीं, पर असी बड़े तौर ते नहीं बल्कि छोटे तौर ते असी ये परब असी मना रहे हाँ। अते मैं अज बड़ी खुशी दे नाल तुसी सारिआं नू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहिंदा हाँ। नाल ही नाल मैं याद करदा हाँ साडे बच्चिआं नू, उहनां दे मां प्यो नू जिन्हां दे नाल साडा रिश्ता है, अते अज उहनां नू कदे नहीं भुल सकदे हाँ जिन्हां ने अपनी जान कुरबानी दित्ती है सानूं स्वतंत्र बनाउण दे लई। अते अज असी इस स्वतंत्रता नू महसूस करदे हाँ। जिस तरह सर ने कहा कि बहुत सारे लोग सानू फ्री इंडिया विच रहन दे लई कुर्बानी दित्ती है, उन्हां सारिआं नू अज याद करन दा दिन है। अज असीं उन्हां नू याद करदे हाँ। अते मैं एक ही गल कहना चाहुंदा हाँ कि अज तुसी अते मैं हाँ, साडा की जिम्मेवारी है अपने देश दे लई। मैं इस मीडिया दे राहीं मैं अपने बच्चियां नू, अपने स्कूल दे बच्चियां नू, माता पिता नू अते पूरे देशवासियां नू यही कहना चाहुंदा हाँ कि जो भी आपां करदे हाँ, किसान जो खेत विच कम करदा है, बच्चे पढ़दे ने अते टीचर लोग पढ़ाउंदे ने, अते इस तरह सारिआं दा अलग अलग कम है। मैं समझदा हाँ इहो कम असी जद इमानदारी ते करांगे तां साडा देश अगे वधेगी। यही मेरी अज दा संदेश है तुसी सारे दे लई, पूरे देशवासियों दे लई। और एक बारी तुसी सारिआं नू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं शर्त गुजारिश करदा हाँ कि थोड़ा जा नारा हो जाए अपने शहीद वास्ते। थैंक यू। ये सन फादर दीपक टिग्गा जी, जो बालक जीशु कॉन्वेंट स्कूल के जेडे मैनेजर साहब, तो इन्होंने अपने जेडे लफ्ज़ां दे नाल पूरे शहीदों नू जिहड़ी श्रद्धांजलि दित्ती है। और जिन्हें स्कूल के स्टाफ मैंबर इस पवित्र त्यौहार दे विच इकट्ठे हुए हन, सारे स्टाफ मैंबरां दा चल्या एक एक कदम सिर मत्थे, सारिआं दा दिलों कोट कोट धन्नवाद। हुण आपां भारत माता की जय दे पंज नारे ला के इह शहीदां नू श्रद्धांजलि देनी है। भारत माता दी, भारत माता दी, भारत माता दी, भारत माता दी। और बहुत बहुत धन्यवाद स्टार फतेह लाइव चैनल वालों का जिन्हें सारी कवरेज करके पूरे वर्ल्ड BYCS की टीम नूं दिखाया है, सारा दा चलिया हुआ एक एक कदम। मैं थोड़ा आपदा सिमरनजीत सिंह चीमा सारी गुजारिश करके बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के पवित्र दिहाड़े ते अज असी BYCS स्कूल दे विच पहुँचे हाँ, जिथे बहुत ही जोश ते होश खरोश दे नाल BYCS दी सारी टीम आज़ादी दिहाड़ा मना रही है और मना के अपना जिहड़ा संबोधन कर रही है, आज़ादी का जिहड़ा संदेश दे रही है, इन्हां सारे करम कमलों के नाल साडे नाल इस स्कूल दे प्रिंसीपल सिस्टर जुसेन जी, वो साडे नाल दो लफ्ज़ सांझे करनगे। सत श्री अकाल। A very good morning to one and all. Today as we celebrate the Independence Day of our country and we remember the golden days which we have already shared in our past, and today with the BYCS celebrate with so much love, gratitude and freedom feelings towards our country, towards our society, towards our institutions. On behalf of each and everyone, I wish all our dear students, parents, well-wishers, benefactors and all the people who are in touch with us, very especially the education department of the state and our district, I wish you all a very happy Independence Day. Have a nice day, have a nice day, have a nice day.
ये सन सिस्टर जुसेन जी जिन्होंने अपने कर कमलों के नाल बहुत मिठे लफ्ज़ों के नाल पूरे जिहड़े देश ते पूरे देशवासियों नूं जिहड़ियां इंडिपेंडेंस डे दीआं वधाईआं दित्तीआं ने। असीं आस करदे हां इस स्कूल ते इस पूरे सिस्टम ते इस पूरी मैनेजमेंट ते इस पूरे कंट्री ते अकाल पुरख अपनी मेहर रखे और सारा मैनेजमेंट जिहड़ा आउण वाले समें दे विच बहुत वधिया स्कूल की जिहड़ी ग्रोथ होवे। इन्नी गल सारी गल कहिंदे होए साडी सारी स्टाफ ते लाइव की टीम इत्थे आके बहुत माण प्राप्त कर रही है। सो सारे स्टाफ का सारी मैनेजमेंट का एक बार फिर भी तह दिलों धन्यवाद। सत श्री अकाल।